June 1984, Operation Blue Star. Was the operation well planned and well executed? Did the army misjudge the situation? Find out in our special series, Operation Blue Star, The Untold Story. हिंदी सिनेमा की अगर बात की जाए तो हिंदी सिनेमा को 100 साल हो चुके हैं और इन 100 सालों में कई स्टार्स बने हैं, कई सुपरस्टार्स बने हैं, लेकिन एक्टर जो हैं वो हिंदी सिनेमा में बहुत कम है। और ऐसी एक मंझी हुई कलाकार हिमानी शिवपुरी जी हमारे साथ में। हिमानी जी, वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़ एंड चंडीगढ़। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सच वंडरफुल प्रेज, थैंक यू, धन्यवाद। हिमानी जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से लेकर अब जस्ट यू एंड मी, पंजाबी पहली फिल्म आपकी आ रही, ये जो सफ़र रहा, पहले तो ये जानना चाहूँगा ये सफ़र कैसा रहा अब तक? सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग रहा। जैसे आपने बोला कि मैंने थिएटर से शुरुआत की अपने करियर की, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग ली, उसके बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की कंपनी है, रेपर्टरी कंपनी, क्योंकि नॉर्थ में तो थिएटर का ऐसा है नहीं जैसे महाराष्ट्र और कैलकटा और साउथ में है, तो थिएटर का जुनून था, अभी भी है, थिएटर करना था, तो थिएटर करने का एक ही तरीका था और सपोर्ट भी करना था। आई जॉइन द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी और मैं वहाँ 10 साल तक थिएटर करती रही। अकस्मात एक सीरियल का ऑफ़र मुझे मिला, हालांकि पहले भी हुआ था हम लोग में मुझे ऑफ़र, पर तब मैंने कहा नहीं, अभी तो मेरे को थिएटर ही करना। और फिर कुछ ऐसा डेस्टिनी भी होती कि मैंने एक सीरियल किया हमराही, उसमें मेरा कैरेक्टर था देवकी भौजाई, वो इतना पॉपुलर हुआ कि फिर फिल्म के रोल्स स्टार्टेड पॉरिंग। मेरी पहली फिल्म थी हम आपके हैं कौन, जो कि सुपर डुपर हिट हो गई, उसके बाद आई दिलवाले दुल्हनिया, वो भी हिट हो गई, और फिर परदेस, और फिर डेविड धवन की सीरीज़। तो ऐसा मेरा सफ़र रहा और उसके बाद ये मेरी पहली पंजाबी फिल्म जस्ट यू एंड मी। हिमानी जी, अगर टेलीविज़न की बात की जाए तो आपने हसरत जैसे सीरियल भी किए, उस वक्त सीरियल्स में एक मासूमियत हुआ करती थी, आजकल सीरियल कमर्शलाइज ज़्यादा हो गया, आपको लगता है कि ज़्यादा फ़र्क आ गया है उस दौर में और इस दौर में? जी, बहुत फ़र्क आया। जैसे कि आपने तो आप हसरते की बात कर रहे हो जहाँ से ये और चैनल्स आ गए हैं, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि जो क्वालिटी और बेहतर काम हमने दूरदर्शन में किया, क्योंकि दूरदर्शन में ऐसे सीरियल्स होते थे, श्रीकांत, दे यूज़ टू डू क्लासिक स्टोरी, श्रीकांत वर्मा की उपन्यास पे, रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास पे, प्रेमचंद की कहानियाँ, मैंने खुद एक राजस्थानी बैकग्राउंड शॉर्ट स्टोरीज, मतलब इतनी वैरायटी जो दूरदर्शन ने दी, वो जो ये जो चैनल्स आ गए हैं स्टार, हालांकि जी, वो जी की आपने हसरते की जिक्र की, वो भी एक मराठी नावल पे बेस था, अधांतरी, तो वो तो अपने आप में एक सेंसेशन था और आई वाज वेरी लकी कि मुझे उसमें रोल करने का, और उससे भी मुझे काफ़ी नाम मिला हसरते के कैरेक्टर से। पर उस वक्त कहानी पे ज़्यादा स्ट्रेस होता था और एक्टिंग और डायरेक्शन का भी अपना हो रहता था, लेकिन आजकल जो टेलीविज़न हो गया, आई एम सॉरी टू से, जब से डेली सोप आ गए, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करती, क्वालिटी थोड़ा बहुत सफ़र करने लगी है, कि एक ऐसा नहीं कि भी अच्छा अच्छा काम आता है बीच में, कुछ अच्छे जैसे बालिका वधू अच्छा सीरियल है, अच्छे सीरियल आते हैं, लेकिन वो बहुत कम एक्सेप्शंस हैं। और अगर हम करेक्टर आर्टिस्ट की बात करें तो एक दौर था हिंदी सिनेमा का जब करेक्टर आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, इक्वलेंट टू द लीड एक्टर्स, लेकिन अब करेक्टर आर्टिस्ट उतने उभर कर सामने नहीं आते। आपको लगता है कि स्क्रिप्ट उनके लिए उतनी अच्छी नहीं लिखी जाती? नहीं, क्या था कि एक्चुअली ये तो सब टाइम की बात होती है, क्योंकि जब एंड आई वाज वेरी लकी, क्योंकि एक ऐसा टाइम था कि टोटली फैमिली बैकग्राउंड पे फिल्में बनती थी, राजश्रीज की, यशराज की, तो उसमें हम कैरेक्टर आर्टिस्ट को बहुत स्कोप था, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, स्पेशली फीमेल, मतलब मेल कैरेक्टर्स को तो अभी भी बहुत स्कोप होता है कि पुलिस इंस्पेक्टर हो गया और वो, लेकिन फीमेल्स के लिए बहुत कम रोल्स रह गए हैं, क्योंकि आजकल फिल्में ऐसी आ रही हैं, आप देखिए कि आई एम नॉट सेइंग फिल्में बहुत अच्छी हैं, जैसे वो अपने डेली बेली है, तो उसमें फीमेल कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए रोल ही नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ ख़राब फिल्में, ये बहुत अच्छा दौर है और बहुत अच्छी फिल्में हो रही है, जैसे देवदास और ये सब, अनुराग कश्यप, इतने अच्छे अच्छे वो आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो जोर है वो ज़्यादातर युवा के प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड है वो। उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि आजकल फीमेल्स के लिए कैरेक्टर रोल कम, तो ये पंजाबी
सिनेमा जो है आज आगे बढ़ रहा है, लेकिन पंजाबी ज़ुबान से आपका कितना रबता रहा है? देखिए, पंजाबी ज़ुबान की जहाँ तक बात है, क्योंकि मैं भी नॉर्थ से आती हूँ, मेरी जो होम टाउन है वो देहरादून है, और मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है कट्टू, मतलब उसका नाम तो दूसरा, हम लोग प्यार से कट्टू, वो शीज़ अ सिखनी, तो बगल में हमारे, और मेरे फादर के भी बेस्ट फ्रेंड थे मिस्टर चांदना, वो भी पंजाबी थे, तो पंजाबी तो नॉर्थ की, मतलब इफ़ यू आर अ नॉर्थ इंडियन तो आपको पंजाबी तो आएगी, और मैंने फिल्मों में भी दो चार काफ़ी सारे पंजाबी कैरेक्टर्स के, तो ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि कोई फॉरेन सी लैंग्वेज में मैं कर रही हूँ, है ना, कि कोई अंग्रेज़ी फिल्म कर रही हूँ या मलयालम इज़ टोटली डिफरेंट। हालांकि मैंने मलयालम भी की है, मैंने मराठी भी की है, लेकिन मराठी इज़ टोटली डिफरेंट, क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते आए पंजाबी, तो पंजाबी बोलना इतना मुश्किल नहीं था। डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं जो डायरेक्टर ने दिए, डायरेक्टर की हेल्प है, और बाकी को एक्टर्स ने बहुत मदद की, जोगिंदर भल्ला जी इज़ प्लेइंग माई हस्बैंड, सो ही हेल्प मी अ लॉट, सो इट्स बीन ग्रेट फन। तो जस्ट यू एंड मी दी गल असी जो करिए पंजाबी फिल्म है, थोड़ा जहा पंजाबी से जानना चाहूँगा कि किरदार है तुम्हारा इस फिल्म में? मेरा जो किरदार हैगा, बड़ी स्ट्रिक्ट सी वाइफ हैगी, और जोगिंदर भल्ला जी सब बड़े, यू नो, वो कुछ डांस शांस देखने का शौक है, तो मैं उन्होंने बड़े कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, पर होंदे नहीं है, बड़े चलाक है वो, रात को जाके मुजरा विजरा देख के आते हैं, तो बड़े फिर मैं बंदूक लेके लग जाती हूँ उनके पीछे कि बोल कौन है, और नींद च तुसी चांदी चांदनी क्यों किते सी, तो इस तरह का कुछ है। बाद में लॉट ऑफ नाइस लाइट मोमेंट्स, कॉमेडी है, अच्छी है। चलो, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इस फिल्म के अंदर उसी तरह सराही जाएं जिस तरह आपके किरदार बाकी फिल्मों में सराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। थैंक यू सर, इट्स अ प्लेजर, और आपके आपके मतलब फ्रॉम योर माउथ टू द ईयर्स ऑफ द एंजल्स, आपकी घी शक्कर, फिल्म अच्छी चले और अच्छा सब लोग अच्छा बिजनेस करें। थैंक यू। चलिए, हिमानी जी के कहने पर अभी मैं जाकर घी शक्कर जरूर खा लेता हूँ। कैमरा पर्सन गुरिंदर सिंह के साथ निखिल वर्मा, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।